नहीं तो
भगवान की कभी लाज जाती है क्या? याद आता है तो यही बात कहते हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज बनी जाएगी। लोग कहते हैं सुनो ये भजन मत गा, भगवान की लाज क्यों जाएगी? ये बात बताना, अगर एक नौकर अपने किसी मालिक की नौकरी 10-12 साल से कर रहा हो, उसके परिवार पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो सबसे पहले कहां जाएगा बताओ? मालिक के पास। मालिक के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका मालिक अगर सहायता करने से मना कर दे तो बेइज्जती किसकी होगी बताओ? किसकी बेइज्जती होगी? मालिक की। उसी प्रकार हे मेरे कन्हैया, हमें भी मेरी नौकरी करने करने कन्हैया 10-12 साल हो गए, और अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आई और तू सहायता करने के लिए अगर नहीं आया उस वक्त मेरे प्यारे, आएगा।
गर्मियों की स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी ना, ये अपनी मम्मी पापा को ये नहीं कहेंगे कि मम्मी मुझे कुल्लू मनाली लेकर चलो, ये कहेंगे मम्मी मुझे खाटू धाम लेकर चलो। क्रिकेट में आपके साहब इनको देखकर हमें ताकत मिलती है, नहीं तो इतना पतला शरीर इतना काम नहीं कर सकता। बच्चों के विश्वास को देखकर हमें ताकत मिलती है साहब। लेकिन आजकल शहरों के स्पोर्ट्स में पता है क्या सिखाया जा रहा है भैया? 25 दिसंबर को कौन आता है, 25 दिसंबर को कौन आता है? किसने सिखाया? टीचर से कल स्कूल में जाकर पूछना कि सेंटा क्लॉज क्या तुम्हारा भाई लगता है जो आएगा। मैडम कहेगी कि मुझे नहीं पता, तो मैडम को कहना कि मैडम अपने बच्चों से जाकर पूछ कि तुम्हारा मामा लगता है क्या, जो आएगा। कोई नहीं आता सेंटा पेंटा क्लॉज देखा। घर के मम्मी पापा भी यही सिखाते हैं बच्चों को, 24 दिसंबर को रात को सो जाओ और 25 दिसंबर को जो सुबह उठोगे ना, तो तुमने जो कुछ मांगना है मांग लो और सुबह उठ के तुम्हारे सिनाने के नीचे टोफियां गोलियां मिलेगी। कोई नहीं लगता मम्मी पापा पागल बनाते हैं। मम्मी पापा से पूछना कि सेंटा क्लॉज का ये क्या होता क्या? अब सुनना, हमारा हिंदू धर्म कोई 25 दिसंबर का मोहताज नहीं है। 25 दिसंबर को लाल रंग के कपड़े पहनकर और नकली वाली दाढ़ी लगाकर लाल रंग का झोला लेके एक दिन के लिए तुम्हारी सारी की सारी विशेष पूरी करने के लिए आएगा। लो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म लक्ष्मी माता का देश है। लक्ष्मी माता कोई एक दिन की मोहताज नहीं जो 25 दिसंबर को ही आएगी। नो, हमारी लक्ष्मी माता साल में 365 दिन होते हैं, 365 के 65 दिन झोला फैला कर खड़ी है, जिसको जितना चाहिए ले लो सब। अरे एक दिन का होता है कोई नहीं आता, किसने क्या दिया? एक बार सुबह सुबह 8 बजे 7-8 साल का बच्चा अपने चाचा के सामने केवल 10 मिनट हो गया। एक 7-8 साल का बच्चा अपने चाचा के सामने सुबह सुबह भूत का मेकअप करके आ गया। किसका मेकअप? भूत का मेकअप करके आ गया। चाचा बोला, अरे स्कूल जाने का समय हो रहा है, मेरा दिमाग ठीक है? अरे स्कूल की वर्दी डाल कर आ, ये क्या सुबह सुबह 8 बजे भूत बन के आ गया? कहता है चाचू क्या तुम्हें पता नहीं कि आज हैलोवीन डे है, हैलोवीन डे पे बच्चे स्कूल में भूत बन के आते हैं। चाचा के मन में विचार आया, अरे दीपावली करने वाला देश, दशहरा करने वाला देश, अरे साहब जन्माष्टमी मनाने वाला देश आज हैलोवीन डे मना रहा है। चाचे से रहा नहीं गया, चाचे ने बच्चे को गोदी में उठाया और बाथरूम में ले जाकर नहला धुला दिया, और जब नहलाया हनुमान का मेकअप कर दिया। किसका मेकअप? और से बोलकर बताओ किसका मेकअप? हनुमान का मेकअप कर दिया। बच्चा बोला, चाचू अरे आज तो भूत बन के जाना था, आपने हनुमान बना दिया, अब तो मुझे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। चाचा कहता, स्कूल में जा तो सही, क्यों नहीं घुसने देंगे बता? कहता, चाचू भूत बनना था, आपने हनुमान बना दिया। कहता, अगर कोई बच्चा पूछे ना कि आज भूत बन के आना था और तू आज कक्षा में हनुमान बन के आ गया, किसी भी बच्चे को कोई उत्तर नहीं देना। सुना ना, अगर तुझसे तेरी अध्यापक पूछे, तेरी टीचर पूछे कि आज हैलोवीन डे था, बेटा आज भूत बन के आना था और आज तू हनुमान बन के आ गया, उसको उत्तर दियो। बच्चा बोला, क्या उत्तर दूं? बोला, जो सारे बच्चे भूत बन के आए हैं ना, जब इनके अंदर भूत आएगा मैं हनुमान बन के इनका बाहर निकाल दूंगा। तो उठाओ सबको चले हाल, किस किस को नाचना आता है? केवल 10 मिनट और गाऊंगा, भैया ने भी गाना, समय को देखना बहुत जरूरी है। केवल 10 मिनट, किस किस को नाचना आता है हाथ उठा कर बताओ। अच्छा अच्छा एक बात बताता हूँ,
अगर हमारे घर पे कोई शादी का कार्ड आता है ना, हम सब जाते हैं। कौन कौन जाता है शादी पे, हाथ उठाकर बता कौन कौन जाता है। और वहां पर अगर नीचे बसता हो, वहां पर अगर नीचे बसता हो, वहां पर शादी में अगर नीचे बसता हो या ढोल बसता हो, पता है कैसे नाचते हैं? जैसे सगे भाई की शादी है। लेकिन ठाकुर के साथ नाचने में शर्म। लेकिन एक बात बताता हूं, जो ठाकुर के साथ नाचता है दुनिया उसके सामने नाचती है। जो यहाँ नाचने से शर्मा गया उसे दुनिया के सामने नाचना पड़ेगा। अब हाथ उठाकर बताओ किस किस को नाचना आता है, हाथ उठाकर बताओ। बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर बताओ। मैं ये नहीं कहता कि खड़े होकर नाचो, नाचना किस किस को आता है केवल एक बात बताना। एक दो तीन वाले शाम धरी से मुझको मोहब्बत है। किस किस को मोहब्बत है हाथ उठाकर बताओ, अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा प्यार करने के लिए बैठा है, कौन झूठा प्यार करने के लिए बैठा है। उठाओ तो सीधे हाथ, क्योंकि अरे मतलब की सुख दुनिया से मुझको नफरत है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए, जिस जिसको जरूरत है चाहे नहीं है, राज का झूठ कर झूठ से कह जमा कर।